Good morning students, how are you all? All good? Very good. अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा विषय हिंदी. हिंदी में हम छोटे उ की मात्रा कर रहे हैं ना. अभी हमने सभी व्यंजन पे उ की मात्रा लगानी सीखी थी, छोटे उ की मात्रा, जिसको बोलने में कम समय लगता है और ये धीमे स्वर में बोली जाती है. जैसे क प्लस छोटे उ की मात्रा को, ख प्लस छोटे उ की मात्रा खो. तो आज हम करेंगे छोटी उ की मात्रा का जोड़. हम जोड़ करके शब्द बनाएंगे. ओके, करें स्टार्ट. जैसे घ प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस प. अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ कर लिखना है. सबसे पहले क्या है, ग. फिर क्या है, छोटे उ की मात्रा. आपको पता है ना व्यंजन के नीचे लगती है, जो हमारी ये सीधी रेखा होती है उसके नीचे छोटे उ की मात्रा लगती है. फिर क्या है, प. क्या बन गया ये, ग उ प गु. क्या बन गया, प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस प. अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जोड़कर जो प्लस छोटे उ की मात्रा प. इसको बोलेंगे कैसे, च उ प चुप. कैसे बोलेंगे, च छोटे उ की मात्रा प चुप. स प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस न. अब इसको लिखो जोड़कर. सबसे पहले क्या है, स. तो इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, छोटे उ की मात्रा. फिर क्या है, न. क्या बन गया ये, स उ न सुन. क्या बन गया, सुन. ऐसे ही क प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस ल. क्या बन गया, क उ ल. क्या बना, कुल. क पर जब व्यंजन पर छोटे उ की मात्रा लग जाती है तो वो धीमे स्वर में और कम समय लगा के बोला जाता है. जैसे प उ पु ल पुल. क्या बना, पुल. ओके, समझ में आ रहा है. ऐसे ही ध प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस ख. क्या बन गया, द छोटे उ की मात्रा दु ख. क्या बना, दुख. क्या बना, दुख. तो ऐसे ही आप सबको और भी शब्द बनाने हैं और उनको जोड़ जोड़ कर लिखना है. ओके, जैसे त प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस म. क्या बन गया, तुम. क्या बना, तुम. तो आप सभी ऐसे और शब्द बनाएंगे, अपनी नोटबुक में राइट भी करेंगे और उनको रीड भी करेंगे. आप बोल बोल के लिखोगे तो आपको समझ आएगा. ठीक है, एक बार इनकी रीडिंग लगाए. ग प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस प. क्या बन गया, छोटे उ की मात्रा प्लस प. क्या बन गया, चुप. स प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस न सुन. तो प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस म. क्या बन गया,
छोटे की मात्रा प्लस ख, क्या बन गया? दो। आप इनको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ग उ प, गुप, च उ प, चुप, स उ न, सन, त उ म, तुम, क उ ल, कुल, द उ ख, दुख। ठीक है, तो आप सबको ऐसे ही और शब्द बनाने हैं, अपनी नोटबुक में रीड कर सॉरी राइट करने हैं रीड करते हुए। ठीक है, आपको अच्छे से बोलनी आएगी ऊ की मात्रा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऊ की मात्रा धीमे स्वर में और कम समय में बोली जाती है, जैसे क उ को बहुत जल्दी बोली जाती है। ठीक है, बाय, हैव गुड डे।